नमस्ते मेरी YouTube फैमिली, आज मैं आपके सामने एक फिर से अनबॉक्सिंग लेकर आया हुआ हूँ। और इस बार की अनबॉक्सिंग है एक छोटी सी माइक जो फ़ोन से अटैच होके चलती है, खासकर ये यूट्यूबर के लिए, मतलब कि मान लीजिए उन्हीं के लिए बनी हुई है और बाकी चीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। किसी में भी अटैच कर सकते हैं, हाँ किसी में अटैच कर सकते हैं। मैं इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले, मैं जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना ने आतंक मचा रखा है तो सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी था। ओके चलिए फिर इसको अनबॉक्सिंग के लिए अनबॉक्स करते हैं। को बाहर निकाल लें। अरे यार हर बार ये लोग ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हैं। इन लोग किसी चीज़ का डब्बा नहीं देते। पिछली बार मैंने अपना गोरिल्ला ट्राइपॉड मंगाया, उसका भी डब्बा इन्होंने गायब किया, ऐसे लपेट के दे दिया। इस बार भी वही हाल किए। ओके कोई ना, मुझे जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया। ये रही हमारी माइक। मैं इसको देख के बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी। पिछले के यूट्यूब के अनबॉक्सिंग में आपने मेरे देखा होगा, मेरी आवाज़ सुना होगा कि आवाज़ मेरी बहुत बुरी आई है, मतलब कि जैसे बहुत शोरगुल, मतलब कुछ सही नहीं आई है। फाइनली मैं हम लोग इसको देखते हैं। ये काफ़ी अच्छी लग रही है, छोटी है, प्यारी है, अच्छी माइक लग रही है और पूरी मेटल बॉडी है ये, काफ़ी मजबूत। और ये लोहे की पिन है, चिमटी इसको बोल लीजिए, जो कॉलर में फंसाया जाता है, काफ़ी हार्ड है। लेकिन क्वालिटी जैसे एक लगता है ना, एक चीज़ देखने से समझ में आता है कि हाँ कुछ है, कोई मतलब कि कुछ है धासु आइटम। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारे फ़ोन में अटैच होने के लिए पिन है और इसकी लीड है। ये लगभग 1.5 मीटर या 1 मीटर के समथिंग है, ये 1 मीटर से ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है। इसको खोलते हैं, ये देखिए लगभग 1.5 मीटर ही समझ लीजिए। और ये रहा इसका फॉर्म जो स्पंज टाइप में है, ये इसके ऊपर में लगता है, जैसे कि लोग लगाते हैं कि देखने में भी अच्छा लगता है और जैसे कि बोलते समय मुंह से जो हवा निकलती है वो उससे मतलब कि आवाज़ पूरी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी देते हैं और भी बाहर की जो आवाज़ें आती हैं वो सबके लिए सही हो जाता है। इसको इसमें फिट करना है, अभी नया है इसलिए बहुत टाइटली जा रहा है और डर लग रहा है कि कहीं फट ना जाए, लेकिन ये ऐसा बना रखा है कंपनी ने कि ये फटेगा नहीं, बट डर तो लगता ही है ना यार। कोई ना, ये तो धीमे धीमे हो गया, सही है, अभी इसका लुक अच्छा आ गया। मैंने चिमटी को निकाला, ये एडजस्ट नहीं हो रहा सही से। तो फाइनली ये लग गया है, हाँ लग गया। अब इसको हम लोग इतने पे सेट कर लेंगे, सही चलेगा। आई थिंक कंपनी ने ऐसा ही करके दिया है कि इतने पे ही सेट करना है, इतने पे ही सेट हो गया। अब रही बात इसकी चिमटी की, तो इसकी चिमटी जो है वो लगाना है, वो भी पूरी लोहे की दे रखा है, तो चलिए इसको भी लगा के देखते हैं फिर इसका असली रूप आएगा। ये देख रहे हैं, मतलब कि ये ऐसा दे रखा है कि इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये रिंग फैलेगा, तो जैसे कि जिम वगैरह होता है, तो जिम में भी जाइए तो साइड में गोला जो वेट होता है लगाने के बाद में, फिर एक पिन लगाई जाती है जैसे कि वो स्लिप ना करे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है। इसमें भी ऐसे ही करके लगाना है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना, एक धासु आइटम यार, एकदम धासु है, लग रहा है कि कुछ लिए हूँ हाथ में। ये देखिए ये इसकी पिन और ये रही माइक। चलिए दोस्तों बाय बाय, अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए।